गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी लिटरेचर का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक आप लोग देख रहे हैं, सच्चा मित्र है। तो पार्ट 3 का जो शीर्षक है क्या है, सच्चा मित्र। तो पार्ट 2 में आप लोगों ने क्या पढ़ा, ईमानदार लकड़हारा। तो आप लोगों ने क्या देखा कि लकड़हारे की सच्चाई और ईमानदारी से जो जल देवी होती है वो बहुत खुश होती है, और उससे वो क्या देती है, सोने चांदी और लोहे की कुल्हाड़ी देती है। तो उस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा कि हमें हमेशा सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, हमें अपना काम सच्चाई व ईमानदारी से करना चाहिए, और कभी भी किसी प्रकार का लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 3 में पढ़ने जा रहे हैं सच्चा मित्र। सच्चा मित्र हर इंसान की क्या होता है, जरूरत होता है। आप अपने जीवन में कम मित्र रखिए, लेकिन सच्चा मित्र रखिए, जो आपके सुख और दुख में हमेशा समान रहे। ऐसा ना हो कि आपके सुख के दिन में वो साथ रहे और दुख के दिन में आपका साथ छोड़ दे। आप ऐसे बंधु, ऐसे मित्र का चुनाव कीजिए जो हमेशा आपके सुख और दुख में बराबर साथ दे, हमेशा आपके साथ रहे। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 3 में सच्चा मित्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग पार्ट 3 निकालिए, पेज नंबर है 11। एक बालक था, उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। तो जो बालक था उसकी उम्र कितनी थी, 12 वर्ष की थी। एक दिन वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी मुझे 5 रुपए दे दीजिए। तो बालक कहाँ जाता है, अपने पिताजी के पास जाता है, और उनसे वह कितने रुपए मांगता है, 5 रुपए मांगता है। बालक अपने पिताजी से कितने रुपए मांगता है, 5 रुपए। पिताजी ने कहा, 5 रुपए, ये रुपए तुम किस लिए मांग रहे हो। तो पिताजी क्या बोलते हैं, 5 रुपए के तुम क्या करोगे, क्या काम है तुम्हें। बालक बोला, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। तो अपने पिताजी से क्या बोलता है, पिताजी मुझे 5 रुपए की जरूरत है। पिता ने बालक को 5 रुपए दे तो दिए, लेकिन वे जानना चाहते थे कि वह ये रुपए किस काम में खर्च करेगा। वे चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़े। तो पिताजी उसे 5 रुपए दे दिए और वे जानना चाहते थे कि 5 रुपए का क्या करेगा। तो वे क्या करते हैं, उसका पीछा करने लगते हैं कि 5 रुपए किस लिए मांगा है और इन पैसों का वह क्या करेगा। बालक सीधा अपने एक साथी के घर गया, उसे बुला लाया, फिर दोनों मिलकर चुपचाप बाजार की ओर चल पड़े। तो बालक क्या करता है, अपने साथी के घर जाता है और अपने साथी को बुलाकर दोनों बाजार जाते हैं। पिताजी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। और पिताजी भी उनके पीछे पीछे क्यों जाते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि वह आखिर उस पैसे से वो क्या करेगा। दोनों बालक बाजार पहुंचे। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। तो दोनों बालक कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं, जहाँ पे किसकी दुकान थी, पुस्तकों की एक दुकान थी। दोनों वहाँ रुक गए। वह बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी। तो बालक जो पुस्तक दुकान था वहाँ से क्या खरीदता है, पुस्तकें खरीदता है और अपने साथी को दे देता है। इसके बाद दोनों साथी घर लौट आए, और उसके बाद दोनों साथी क्या करते हैं, घर लौट आते हैं। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे समझ गए कि उनके बेटे ने अपने निर्धन साथी की मदद की है। तो पिताजी जब देखते हैं कि उनका बेटा एक निर्धन साथी की मदद करता है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, यदि हम सक्षम हैं, यदि हमारा मित्र किसी संकट में है, वह निर्धन है, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कभी भी हमें ये निर्धन या धनी देखकर मित्र हम लोग नहीं चुनते हैं। मित्र हमेशा सच्चा मित्र होता है, जिसकी सहायता हमें करनी चाहिए। पिताजी ने बालक को बुलाया और प्यार से बोले, बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, साथियों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था। तो पिताजी बहुत खुश होते हैं और वे बालक को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने अपने साथी की मदद की। जानते हो ये बालक कौन था, यह बालक था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की, लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहते थे। तो जो बालक ने मदद की अपने साथी के, वे बालक क्या थे, उनका क्या नाम था, वे चितरंजन दास थे, और उन्होंने देश की बहुत सेवा की और लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास के नाम से पुकारते थे। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा कि हमें किसकी मदद करनी चाहिए, हमें अपने मित्र की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मित्र की मदद कीजिए, जो भी आपको संकट में नजर आया, आप सक्षम है तो उसकी मदद अवश्य कीजिए। ठीक है,
तो आप लोग इस पार्ट को अच्छे से पढ़िएगा और इसमें जो शब्दार्थ है उससे आपको याद करना है और आपको अपने फेयर कॉपी में भी लिखना है। उम्र के क्या अर्थ होते हैं? अवस्था, आयु। साथी का अर्थ होता है दोस्त, सहपाठी। मदद का अर्थ होता है सहायता। निर्धन का अर्थ होता है गरीब। तो इसमें जो अभ्यास कार्य है उसे हम लोग क्लास में करेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, इस पार्ट को अच्छे से रीड करना है, जो शब्दार्थ है उसे आपको अपने फेयर कॉपी में लिखना है और याद भी करना है, और इसका जो अभ्यास कार्य है उसे हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है।